पीछे था। यहां के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम स्वरूप सिद्धार्थनगर जनपद ने इस दौरान काफी इसमें सुधार किया और मेडिकल कॉलेज अपने आप में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा के लिए जाना जाता है और जिससे मेडिकल कॉलेज बनने के बाद बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाएं न केवल जनपद वासियों को बल्कि आसपास के नागरिकों को और नेपाल से भी जुड़े हुए लोगों को भी सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। यानी लगभग 30 लाख की आबादी इस मेडिकल कॉलेज से आच्छादित होगी और उनको इसका बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। मेडिकल कॉलेज बनाने का क्रम अगर हम आपको बताएं कि प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर 2016 तक इन 70 वर्षों में मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे उत्तर प्रदेश में। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2016-17 के बाद विगत वर्ष हम लोगों ने 8 नए मेडिकल कॉलेजेस प्रारंभ किए थे, यानी कक्षाएं उसमें प्रारंभ की थी, जिसमें बस्ती, बहराइच, अयोध्या के मेडिकल कॉलेजेस थे। ऐसे 8 नए मेडिकल कॉलेजेस में विगत वर्ष हम लोगों ने कक्षाएं प्रारंभ की, 9 में इस बार हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें जनपद सिद्धार्थनगर का है, माधव बाबू के नाम पर हम लोग इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पर। देवरिया मेडिकल कॉलेज देवराह बाबा के नाम पर उसे हम स्थापित कर रहे हैं। जौनपुर मेडिकल कॉलेज प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री श्री उमानाथ सिंह जी के नाम पर उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण करते हुए उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। गाजीपुर में भी एक नया मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ होगा, महर्षि विश्वामित्र के नाम पर उस मेडिकल कॉलेज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जनपद सिद्धार्थनगर के साथ ही प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम पर उस मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं। इस सत्र में क्लासेज वहां प्रारंभ होंगी। मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज माँ विंध्यवासिनी के नाम पर हम उस